न्यूज रिपोर्टर जा रहे हैं सारे रिपोर्टर जा रहे हैं भाई बनगाई का मुआवना करने कि पुल कैसे बना, बताइए कुछ कहना चाहो। पुलिस वाले इन्हें काबू में लेने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का जो हमारा ब्लॉग है वो है उत्तराखंड में हो रही है बहुत जोरों से बारिश है। तो आप कहीं भी नदी के रास्ते जो फ्लाईओवर हैं, पुल हैं, पहाड़ी रास्तों पे सफ़र करें तो थोड़ा सावधानी पूर्वक करें। हम आपको दिखाएंगे कि हमारे भोपुर में जो भारी बारिश के कारण जाखर नदी कितने उफान पर है और कितनी ज़्यादा क्षति पहुँचाई है नीचे के गाँव में। आइए दिखाते हैं हम आपको। न्यूज रिपोर्टर जा रहे हैं सारे रिपोर्टर जा रहे हैं भाई बनगाई का मुआवना करने कि पुल कैसे बहा, बताइए कुछ कहना चाहोगे आप? भैया जी वहीं जाके देखेंगे आप तो कैसे बहा, कैसे दिखाते हैं आपको साइड में हमारे साथ बने रहिए। आप लोग वैज्ञानिक जा रहे हैं भाई, पुलों की जांच करने के लिए जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है जांच में आके। वो ठेकेदार बैठे हैं हमारे, देवेश ठेकेदार। बहुत बहुत ऐसा लेना पड़ेगा यार ऊपर। आज सोमवार की पूरी रात की बारिश से आई है बाढ़ गांव में। लास्ट सोमवार तो बारिश तो गाइस दिखाएंगे हम आपको जाखन का पुल। कल जिन पुलों पर हम घुमा करते थे अपनी बाइकें लेके, ये गाइस ये देखिए तेलपुरे की मीडिया जो कि पुल का मुआयना करने आई है। लोग देखने आए यहाँ पर कि पुल किस तरह बहा है, रास्ता अवरुद्ध हुआ है। तो आप आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी रात बारिश हुई है और जाखन आई है। हर तरफ पब्लिक ही पब्लिक है, प्रशासन द्वारा दो पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं ताकि लोग आगे पुल पे ना जा सके। देख सकते हो आप उत्तराखंड पुलिस के जवान जान जोखिम में डालकर जो उधर से आ रहे लोगों को रोकने के लिए जा रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश के कारण देख सकते हो आप जोखिम भरे हालात हो रहे हैं इस समय पे। सारे रास्ते अवरुद्ध कर दिए हैं, शिला चौकी का रास्ता भी बंद कर दिया है। देखिए सामने पुलिस वालों ने मिट्टी का ढेर लगाकर पुलिस वालों ने शिला चौकी का रास्ता बंद कर दिया है। ये देखिए छोटे छोटे खाले जो है यहाँ पर, ये भी उफान पर है। इतना ज्यादा पानी देख सकते हो आप इन पर, इन्होंने भी काफी पेड़ों को क्षति पहुंचाई है यहाँ पर। तो गाइस ये है भोपुर की जाखन नदी और सामने आपको दिख रहा होगा जेसीबी काम करता हुआ। ये वो पुल का हिस्सा है जाखन नदी के बनगाई जो कि टूट चुका है पूरा। तो दोस्तों देख सकते हो आप किस तरह से पुल के साइड वाला हिस्सा बह चुका है पूरी तरह पानी में और जो पानी है उसने अपना रास्ता बदल लिया है। वो देखिए जहाँ से रोड टूटी है उसके कुछ थोड़ी दूरी पर पानी जंगल के रास्ते होकर जेसीबी के पीछे वाली रोड से निकल रहा है और हमारी टीम ने मुआवना कर लिया है और काफ़ी लोगों को प्रशासन पुलिस वाले जो है भगा रहे हैं, घर की ओर की जाइए आप यहाँ मत आइए, यहाँ प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। तो ये था जाखन नदी का रौद्र रूप। नीचे के गांवों में भी काफी क्षति पहुंचाई है लोगों के घरों को, खाली कराना पड़ा है पुलिस वालों को रात में।
पूरे रात भर सोए नहीं है, शांति नगर के लोग, रानी पोखर से नीचे एक एरिया पड़ता है शांति नगर का। जेसीबी बुलाई गई है उत्तराखंड पुलिस कर्मियों के द्वारा और इस रास्ते को बंद कर रहे हैं हमेशा के लिए। सकते हो आप उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जो ये रास्ता है ये बंद कर दिया जा रहा है आधे में, ताकि लोग अपनी गाड़ी लेके आगे ना जा सकें। कोई रात को अनजाने में धोखे से कहीं नदी की तरफ ना चला जाए, इसलिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ये रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा है। तो जब तक कि पुल पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती तब तक ये रास्ता अवरुद्ध रहेगा यहाँ से बनगाई से। प्रशासन द्वारा जेसीबी लगाया गया है यहाँ पर। अब हम जा रहे हैं घर की ओर, गांव का नजारा भी दिखाना है। तो कैसा लगा आपको झारखंड नदी का पुल देख के? झारखंड नदी के बाद अब हम चलते हैं आपको लेकर अपने खेतों की ओर, जहां पर नदी के पानी ने काफी क्षति पहुंचाई है धान की फसल को। देखिए गाइस कितना कितना पानी यहां पर भर चुका है, जो रात की बारिश से झारखंड नदी में पुल टूट गए, लोगों की धान की फसल खराब हो गई। यहाँ पर लोगों ने धान लगाया था, धान की सारी फसल खराब हो गई है दोस्तों। देख सकते हो आप कितना कितना पानी लोगों के खेतों में आ चुका है। दिखाएंगे हम आपको कि कितना कितना पानी लोगों के खेतों में घुस चुका है झारखंड नदी का। लोगों के सारे खेत की बाउंड्री तोड़ दी है, क्षति पहुंची है तेलपुरा गांव में। लोगों की सारी खेती बर्बाद हो चुकी है। प्रशासन द्वारा जेसीबी भी लगाया गया है यहां पर, ताकि पानी को फैलाया जा सके। एक दिशा में अगर पानी जाएगा तो कहीं ये पानी की टंकी है बड़ी, इसे भी नुकसान पहुंच सकता है। ग्राम प्रधान जी द्वारा इस पानी की सेफ्टी के लिए जेसीबी लगाया गया है इसके नीचे, ताकि इसकी बाउंड्री पर पानी टच ना हो। ये देख सकते हो आप, कुछ दिनों पहले यहाँ पर धान की रुपाई लगाई गई थी और दूर दूर तक रेड़ा दिख रहा है और बगीचा भी लगा हुआ है। देख सकते हो आप, आपको लीची के पेड़ दिख रहे होंगे यहाँ पर लगे हुए। ये लीची और आम का बगीचा था गाइस, यहाँ पर सारा रेड़ा भर चुका है, पता ही नहीं चल रहा किसकी ज़मीन कहाँ पर थी। ये आई है तेलपुरा में बाढ़, जो कि भोपुर की जो खाली है, महादेव की खाली, उसके कारण आई है। काफ़ी बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर दिख रहे हैं। और दोस्तों सामने देख सकते हो आप, कुछ फसल धान की खड़ी हुई है जो हरी हरी आपको दिख रही है। उसके अलावा पानी जिस तरफ को आया वहाँ अपने साथ बजरी, मोटे मोटे पत्थर, रेड़ा भर भर के लाया है। और पूरी रात गाँव के लोग बता रहे हैं कि हम पूरी रात नहीं सोए हैं, क्योंकि जो इधर के आसपास के घर हैं उन्हें भी खतरा था रात भर बना हुआ। देख सकते हो आप कितने पानी के घरों के पास कितने कितने तालाब भरे हुए हैं। यहाँ जेसीबी वालों पे पथराव हो रहा है। लोगों ने पत्थर उठा लिए हैं जेसीबी वाले को मारने के लिए। ये देखिए ये शख्स पत्थर मारने को तैयार है जेसीबी वाले के। मुद्दा गर्म हो गया है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ लोग आए हैं दावड़ा से,
जो कि जेसीबी पर पत्थर मारने के लिए तैयार है, इनके बीच में झगड़ा हो गया है। लोगों के घरों में घुस रहा है पानी और ये लोग कह रहे हैं कि हमारे खेतों की तरफ पानी मत डालें। यहाँ हो गई है लड़ाई, जेसीबी वालों को मारने की तैयारी। यहाँ हो गई है लड़ाई, यहाँ पर कुछ दूसरे गांव के लोग आ चुके हैं जो कि जेसीबी पर पथराव और लट मार रहे हैं। पुलिस वाले इन्हें काबू में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो भागता हुआ, लट मारता हुआ। मौके पर पुलिस ने आके संभाला मोर्चा। जो मेन मुद्दा था वो तोड़ दिया जा रहा है। मौके पर पुलिस वालों ने आके ये काम करवाया। तो दोस्तों, पुलिस वालों के द्वारा लोगों को घरों को बचाने के लिए पानी को खेतों की ओर फैलाया गया है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे कि हमारे खेतों की ओर पानी ना डाला जाए, तो प्रशासन ने जनहित में देखते हुए लोगों की सेफ्टी के लिए घरों की ओर आ रहे पानी को रोक दिया गया है। तो गाइज, ये था आज का हमारा ब्लॉग। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हमारा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल को लोग सब्सक्राइब जरूर करें।